अब हमारा इसी अध्याय पांच का वीडियो सेकेंड है, इसमें हमको पढ़ना था मेंटल बात के बारे में। वीडियो फर्स्ट में हमने बताया था कि कौन कौन से शब्दावली हैं जिनका उपयोग हम बेसिक रूप में करते हैं, जैसे अनुवांशिकी किसे कहते हैं, अनुवांशिकता या विविध वंशागति किसे कहते हैं, विविधता या विभिन्नताएं किसे कहते हैं, ठीक है, कौन कौन सी विभिन्नताएं होती हैं इनके बारे में हमने जाना। सेकेंड वीडियो में जाना है मेंडल बात के बारे में, क्यों, क्योंकि मेंडल ने ही इस वंशागति का नींव रखा था। उन्होंने बताया था कि किसी भी जीव में, ठीक है, जनक से उनके संततियों में कुछ तो कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उनके द्वारा उनके संततियों में आते हैं, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो प्रभावी होते हैं जो कभी ना कभी दिख जाते हैं, और कुछ अप्रभावी होते हैं जो दिखते नहीं है, ठीक। तो ऐसे ही है, तो मेंडल बारे में आपको जानना है, मेंडल के बारे में थोड़ी बहुत, ठीक है, कि मेंडल कहाँ से रिलेटेड करते थे, उनका जन्म क्या हुआ, कैसे इन्वेस्टमेंट किया, किस चीज को लेकर इन्वेस्टमेंट किया। तो पहले देखते हम लोग कि आनुवांशिकता का आधारभूत सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। उन्होंने अपनी पुस्तिका में प्रकाशन किया जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूम। ये वो बुक्स थी जिनको 1866 में मेंडल ने प्रकाशित किया, ठीक है। उन्होंने बताया कि हर एक जीव में, ठीक है, उन्होंने पौधों को इसे चयन किया, वो जाना आपका अंक, हर एक जीव में कुछ ऐसे कारक होते हैं जो जनकों द्वारा उनके संतानों में आते हैं। तो उन्होंने नेचर ऑफ हिस्ट्री सुधाई और ब्रूम नाम प्रकाशित किया। उन्होंने अपना प्रयोग किस पौधे पे किया, तो साधारण पे, जिसको हम पाइसिक सटाइवम बोलते हैं, और उनका प्रयोग 7 वर्षों तक चला, 1856 से 1863 तक, ठीक। उसके बाद इनका जन्म हुआ था सीलिया, सीलिया सा हैंड्रॉफ ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक। अब यहां पूछा जाता है क्वेश्चन कि मेंडल ने अपना प्रयोग कितने वर्ष तक किया, 7 वर्ष तक, ठीक। उनकी मुख्य नियमावली क्या थी इनको लेने की, ठीक है, पाइस नाम लेने की मुख्य नियमावली क्या थी। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में जो उद्यान मटर लिए थे, मतलब साधारण मटर जो लिया था उन्होंने, मटर लेने का कारण ये था कि वो आसानी से उपलब्ध हो जाते थे और बहुत ही कम जगहों में अच्छी उपज हो जाती थी, और वो एक वर्षीय पौधे होते थे। दूसरी बात ये थी कि उनमें अनेक विभिन्नताएं मिल जाती थी, अनेक लक्षण मिल जाते थे, विभिन्न लक्षण उनके मिल जाते थे। दूसरा कारण, तीसरा कारण ये था इनका कि ये हमेशा द्विलिंगी होते थे और हमेशा स्वपरागण करते थे। चौथा अंतर ये भी हो सकता है कि ये इनको हम आसानी से कृत्रिम वृद्धि द्वारा इनका हम स्वपरागण करा सकते हैं और परपरागण भी करा सकते हैं। तो मुख्य रूप से इनका हम परपरागण कृत्रिम वृद्धि द्वारा करा सकते हैं, स्वपरागण इनमें मुख्य रूप से होता है। तो यहां हम देखते हैं कि मेंडल ने अपने उघान मटर के पौधों में 7 वर्षों तक संतरण का उपयोग किया, और जिसके आधार पर हम जान सकें कि जीवों में वंशागति का नियम कैसे प्रस्तावित या प्रतिपादित होता है। अगला था इनका कि मेंडल ने अपने 34 किस्मों के मटर के पौधों पर अध्ययन किया, जिसमें से 22 को उन्होंने लागू किए। 34 किस्मों को उन्होंने अध्ययन किया, चयन किया, और 22 को उन्होंने क्या किए, लागू किए, और मुख्य रूप से इनमें 7 जोड़ी उन्होंने विपरीत लक्षणों को निकाला, जिनमें क्या क्या था। पहला इनमें था गोला या झुरीदार बीज, ठीक, इनमें एक प्रभावी होंगे और एक अप्रभावी होंगे। दूसरा उन्होंने लिया पीला या हरे बीज। तीसरा उनका था पिचकी या फूली हुई फलियां, जो आमतौर पर पौधों में देखने को मिलती है। उसके बाद हरी या पीली फलियां, लंबे या बौने पौधे। अब यहां पर देखा है वो 7 लक्षण कौन कौन से थे। अगर हम बात करें तने की ऊंचाई की, तो तने की ऊंचाई की हम बात करेंगे तो कुछ पौधे ऐसे होंगे कि कुछ पौधे बड़े होंगे और कुछ पौधे छोटे होंगे। तो जो बड़े पौधे होंगे वो कहलाएंगे प्रभावी, और जो वो छोटे पौधे होंगे वह अप्रभावी लक्षण दिखाएंगे। अब आते हैं हम लोग फ्लावर, मतलब
पुष्प के रंग के बारे में। इसमें दो होंगे वायलेट और व्हाइट। ये फूल भी अपने या तो कच्चे या अच्छे भाग हो सकते हैं, मतलब ये या तो ये ऊपरी वाले भाग पे होंगे, नहीं तो किसी शाखाओं के दूसरे वाले भाग पे हो सकते हैं। इसके बाद तीसरा उनका था लक्षण क्या, बीज की आकृति। बीज की आकृति दो तरह से हो सकती है, या तो गोला होगा या तो झुर्रीदार होगा। जिसको आमतौर पर आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में जो मेंडल के दूसरे नियम थे, पहले नियम में मेंडल ने अपने एक लक्षण को लिया था जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई को लिया। ऊंचाई में क्या था कि एक लंबा पौधा था और एक बौना पौधा था, दोनों में जब उन्होंने संकरण कराया तो उन्होंने पाया कि F1 जनरेशन में जितने भी संतति थी वह सब में लक्षण किसके दिखे, लंबे होने के। उसी तरह फिर उन्होंने 100 परागण उसी F1 जनरेशन में 100 परागण कराया तो F2 जनरेशन में कुछ लंबे दिखे और कुछ बौने दिखे। तो यहां आपको मिलेगा कि उनके दूसरे नियमावली में था कि उन्होंने दो अलग अलग लक्षण को लिए। अलग अलग लक्षण कौन से थे, एक था बीज की आकृति और दूसरा था बीज का रंग। जिसमें से दो नियमावली लक्षण को लेने का कारण यह था कि इनमें देखना था कि यहां कहां अपना प्रभावी गुण दिखा रहे हैं और कौन इसमें अप्रभावी गुण दिखा रहे। तो यहां उन्होंने शेप क्रम लिया राउंड गोला और व्रिंकल। पोड शेप में था तो कुछ फूले होंगे और कुछ पचके होंगे, जैसे कुछ मटर के फलियां फूली हुई होती हैं और कुछ पिचकी हुई होती हैं। ठीक, तो ये उनका चौथा था लक्षण। पांचवा लक्षण पोड कलर, या तो कुछ हरे होंगे या तो कुछ पीले होंगे। उसके बाद था कि जो फूल है वो फूल की स्थान कहां होगी उस पौधों में। तो हमने बताया कि या तो कच्ची होंगे, मतलब कहां उस पुष्प के बने हुए शाखाओं के ऊपरी भागों में पाए जाएंगे, या उसी पुष्प के उन्हीं शाखाओं के किसी साइड वाइज या किनारे किनारे पाए जाएंगे, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल या अक्षीय भाग। और सातवां उनका लक्षण था बीज का रंग, जिसको हम बोलेंगे पीला और हरा। तो इनमें से आप याद करने वो सात गुण कौन कौन से हैं, तो ऊंचाई, रंग, आकृति, स्थिति, ये सब थे। और उन सब में कौन प्रभावी है कौन अप्रभावी है, तो ऊंचाई में लंबा प्रभावी लक्षण है, बौना अप्रभावी लक्षण है। पुष्प का रंग बैंगनी प्रभावी लक्षण है, सफेद अप्रभावी लक्षण है। बीज की आकृति गोला प्रभावी लक्षण है और झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण है। इस तरह सारे चीजें जो आपको लिखी गई हैं वो सब आपको प्रभावी अप्रभावी लक्षण अपने आप में लिखेंगे यहां से। फिर पूछा जाता है कि मटर का ही प्रयोग क्यों किया मेंडल ने, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का ही उपयोग क्यों किया। वो चाहते तो कुछ और भी जीवधारियों को कर सकते थे, तो करने का कारण ये था कि ये आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो सकता था और ये एक वर्षीय पौधे होने के कारण हम आसानी से कहीं भी उगा सकते थे। दूसरा, इसमें अधिक फल और फूली लग सकते थे, जैसे एक शाखा मुख्य शाखाओं में कई इनमें फल और फूल दोनों लग सकते, और इसको आसानी से हम इसमें से कितने चाहे उतने बीज हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा था कि इनकी आकृति कुछ ऐसे दिखती है जैसे तितली के पंख के जैसे, और हमेशा ये द्विलिंगी होते हैं और स्वपरागणी होते हैं, मतलब कि इनमें परागण कराने की कोई जरूरत नहीं होती, अपने आप में परागण करकर नए बीज नए फल बना सकते हैं, मगर जरूरत पड़ने पर कृत्रिम रूप से इनमें हम परागण भी करा सकते हैं। मटर के पौधों में विपरीत लक्षण भी पाए जाते हैं, यहां देखिए आपने विपरीत लक्षण मतलब क्या, कुछ प्रभावी और कुछ अप्रभावी। तो ये सब कारण थे मटर को चयन करने के लिए मेंडल के पास। तो इन सारे टॉपिकों में जानना होगा, मेंडल बाद में आपसे कभी पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, कि मेंडल के प्रयोग करने के लिए, मेंडल ने प्रयोग करने के लिए मटर का ही चयन क्यों किया। तो मटर का चयन करने का प्रयोग उनका ये था क्योंकि ये आसानी से कहीं भी प्राप्त हो सकते हैं और इनको कहीं भी हम उगा सकते हैं, क्योंकि ये एक वर्षीय पौधे होते हैं और इनमें परिणाम मिलने की संभावना अधिक होती है क्योंकि इनके पास विपरीत लक्षणों के अधिक से अधिक प्रजाति पाए जाते हैं जिन्होंने सात रूप को देखा है यहां से। फिर दूसरा था कि इनमें अधिक से अधिक फूल और फल मिल सकते हैं जिनसे हम आसानी से बीजों को प्राप्त कर सकते हैं। इनमें पहला दूसरा चीज ये कि इनमें आसानी से स्वपरागण हो जाता है,
और हम चाहें तो कृत्रिम रूप से प्रारण भी करा सकते हैं। इन सारे बातों के बाद जब आगे हम लोग आए तो मेंडल ने कहा कि अगर हम एक बीज पर या बीज के किसी एक लक्षण पर प्रयोग करके देखें, ठीक है, तो एक बीज के लक्षण पर प्रयोग करके हम देख सकते हैं तो उनमें हम पहले ले सकते हैं क्या, तने की ऊंचाई, जिसमें उन्होंने प्रयोग क्या किया, प्रभा लक्षण के लिए लंबा और प्रभावी के लिए बौन। उन्होंने कुछ शब्द उपयोग किए थे कि हमें किस प्रकार इन्हें दिखाना है। तो जो प्रभावी होंगे, प्रभावी के लिए उन्होंने बताया कि अगर हम एक कोई लक्षण लेके चलें, वो लक्षण मान ली तने की ऊंचाई है, तो इसमें प्रभावी को हम दिखाएंगे कैपिटल टी से। यह हुआ प्रभावी, ठीक है, और हम किसको ले रहे हैं, ऊंचाई, और स्मॉल टी किसको बतलाएगा, अप्रभावी को। तो ये था एक संग्रह का नियम जो हमको जानना होगा कि अगर एक कोई लक्षण को लेकर चले तो उसमें हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा प्रभावी अप्रभावी किस जनरेशन में अपने गुण को दिखलाता है। तो प्रभावी कहने का अर्थ ये होगा, जब दो पॉइंट से पूछेगा कि प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, तो प्रभावी लक्षण हम उसे बोलते हैं कि वैसा लक्षण जो जनक से संततियों में, पहले जनक से संततियों में जो लक्षण दिखे और वो अपना गुण हमेशा दिखाए, वो जनरेशन एफ वन जनरेशन हो एफ टू जनरेशन हो, सब में अपने गुण को आगे रखे, वो होते हैं प्रभावी लक्षण। अब प्रभावी हमेशा छिपे हुए होते हैं, वो भी दिखते हैं किसी न किसी जनरेशन में, मगर ये जरूरी नहीं है कि अप्रभावी लक्षण हर वक्त दिख सके या हर जनरेशन में दिख सके। इसके बाद आता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में यह बताया कि अगर किसी भी जनक द्वारा दो अलग अलग जीवधारियों द्वारा अगर प्रजनन की क्रिया हो रही है और उनसे जो युग्मनज या भ्रूण बन रहा है तो उनमें कुछ ऐसे कारक होंगे या उनमें कुछ ऐसे अनुवांशिक तत्व होंगे जो ढोने का काम करेंगे। बस मेंडल इतना कहा कि वो कुछ ना कुछ अनुवांशिक तत्व हैं जो एक जनक से उनके संततियों में ढोने का काम करते हैं उन लक्षणों को। जबकि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कोरेंस ने उन तत्वों मतलब अनुवांशिक तत्वों को नाम दिया कारक का, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स, और इसी फैक्टर्स को इन टाइमों में इन समय में हम जानते हैं जीन के नाम से। किसके नाम से, जीन के नाम से। जैसे पहले लेक्चर वीडियो में बताया था कि अनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, डीएनए, और अनुवांशिक क्या कौन होता है, जीन। तो उस समय जब मेंडल ने अपने प्रयोग में देखा तो उन्हें बताया कि कोई भी अनुवांशिक तत्व है जो ये बतला रहा है कि अगर हम जनक से सपरागण या संकरण करा रहे हैं तो उनसे जो एफ वन जनरेशन में जो हमारे लक्षण दिख रहे हैं तो उन्हें ढूंढने वाला कुछ अनुवांशिक तत्व है, जबकि उस तत्व का नाम उन्होंने नहीं दिया। तो कोरेंस ने उस तत्व का नाम दिया क्या, कारक, मतलब वो कुछ फैक्टर है, वो फैक्टर का नाम भी नहीं, बस वो कुछ कारक है जो ये क्या कार्य कर रहा है कि जनक द्वारा संततियों में ढूंढने का कार्य कर रहा है। इसके बाद आगे चलकर इसी चीज को बताया किस नाम से, जीन के नाम से, जो आज हम जानते हैं कि क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए होता है और डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है, और उस अनुवांशिक पदार्थ के ऊपर छोटा सा खंड होता है जिसको हम बोलते हैं जीन, और वह जीन क्या है, अनुवांशिक इकाई है। तो इस टॉपिक में आपको यही जानना था कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस चीज को लिया, उनके लक्षण क्या थे, बुक्स कौन सी, ज्यादा यहां पर पूछा जाता है कि प्रकाशित कौन से बुक्स थी उनकी, किस वर्ष उन्होंने प्रकाशित किया, अपने प्रयोग में किस प्रकार के पौधे को लिया, तो साधारण मटर का पौधा था जिसको हम पाइसेप्स सटाइवम बोलते हैं। पाइसेप्स सटाइवम क्या है, एक बोटेनिकल नेम है साधारण मटर का। उनका प्रयोग कितने वर्ष तक चला, उनका प्रयोग 7 वर्ष तक चला, मतलब 1856 से 1863 तक। इसके बाद इनका प्रयोग 34 वर्षों तक, मतलब कि उस समय जब इन्होंने प्रकाशित किया
उस समय इनका प्रयोग गलत साबित किया गया और 34 वर्षों तक उसको लागू नहीं किया। लागू नहीं करने जाने के बाद जब उनकी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद इन्हीं के प्रयोग को 3 साइंटिस्टों ने पुनः लागू किया और आज इन्हीं वंशागति के कारण मेंडल का ही देन है कि आज हम जान पाते हैं कि कोई भी गुड़ कैसे धोने का काम होता है या उसी गुड़ों द्वारा, जैसे हम बात करें किसी भी जीव में कोई विकार हो, किसी मनुष्य में कोई विकार हो, बीमारी हो, तो कैसे जनक से उनके संकितियों में आ सकता है, उनके संकितियों में आ सकता है, तो वो हम जानते हैं किसके वजह से, मेंडल के दिए हुए वंशागतियों के नियमों से। तो ये सारी बातें थी जिनमें आपको जानना था कि उनके क्या लक्षण लिए, 7 लक्षण कौन कौन से थे, प्रयोग करने के मुख्य कारण क्या थे, जो यहाँ में पूछे जाते हैं कि मटर के प्रयोग को चयन करने का मुख्य कारण क्या था। ठीक, तो ये सारी बातें याद रखिएगा, फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि एक जीन का संकरण कैसे कराया, फिर इनमें कौन कौन से नियम थे, मेंडल के 3 नियम, प्रभावता का नियम, ठीक है, अप्रभावता का नियम, ऐसे सारे नियम आपको पढ़ने होंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इतना नोट्स कर लीजिए।